अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौनाहा के भितियरवा आश्रम में आज भी बापू की आत्मा बसती है। डॉक्टर अयोध्या नाथ झा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा ने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक कर्मभूमि भितियरवा गांधी आश्रम का अवलोकन करने के उपरांत कहा कि भितियरवा गांधी आश्रम में आज भी बापू की आत्मा बसती है। शैक्षणिक परिभ्रमण पर पहुंचे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर स्तर 2019-21 के छात्र छात्राएं भी गांधी आश्रम, गांधी स्मारक संग्रहालय व बापू के उपयोग में लाए गए टेबल, विद्यालय की घंटी एवं चक्की का दर्शन किया। गांधी स्मारक संग्रहालय भितियरवा के तकनीकी सहायक राजेश कुमार ने शैक्षणिक परिभ्रमण पर पहुंचे आगंतुकों को बताया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण और भितियरवा आश्रम का विशेष महत्व है। यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से चंपारण पहुंचे थे। यहां आकर सर्वप्रथम बापू ने खुद को असहाय मान चुके स्थानीय किसानों में आत्मविश्वास भरकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत दी थी। लोगों को गांव-गांव जाकर प्रोत्साहित किया था। यह खबर पाकर अंग्रेजों व सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया था। स्थानीय किसानों व अन्य लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1917 में यहां गांधी ने विद्यालय की स्थापना की थी, जिसको अंग्रेजों ने जला दी थी। फिर स्थानीय लोगों की सहायता से महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी व पंडित राजकुमार शुक्ल ने खुद ईंट ढोकर इस आश्रम व विद्यालय की स्थापना की। तीन कठिया नील की खेती व किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार से किसानों को मुक्ति मिली। रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल को बेहतर बनाने की हुई चर्चा। दो साल बाद हुई बैठक में नव निर्वाचित प्रमुख ने दिए कई सुझाव। नौ डॉक्टर के जगह दो डॉक्टर के भरोसे चल रहा है अस्पताल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौनाहा में दो साल बाद हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल से संबंधित समस्या एवं रोगी को बेहतर सुविधा देने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शशि कुमार ने की। रोगी कल्याण समिति के सदस्य हरेंद्र चौधरी ने अस्पताल परिसर में स्थित बदहाल शौचालय को दुरुस्त कर उसे चालू करने की बात कही। उन्होंने अस्पताल के मरीजों को नाश्ता व खाना नहीं दिए जाने का प्रस्ताव बैठक में रखा। अस्पताल परिसर में हो रहे जल जमाव को दूर करने का प्रस्ताव भी लाया गया। अस्पताल एवं विभिन्न कार्यालयों को क्षतिग्रस्त होने का मामला भी रोगी कल्याण समिति की बैठक में उठाया गया। रोगी कल्याण समिति के सदस्य राम दर्शन सिंह व माधुरी देवी ने अस्पताल परिसर में कैंटीन नहीं होने का मुद्दा उठाया। मौके पर उपस्थित प्रखंड प्रमुख जयप्रकाश पासवान ने अस्पताल से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत होते हुए उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का सुझाव दिया। विनीत कंसल्टेंसी, सुमन विहार, नरकटियागंज, स्टार बुक पैलेस, नंदपुर, नरकटियागंज, विनोद आर्ट, फ्लेक्स प्रिंटर, भगवती सिनेमा कैंपस, आइडियल कोचिंग सेंटर, ब्लॉक रोड, ब्रह्म स्थान के पास, नरकटियागंज।